सो व्हाट्स अप माय ब्यूटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा किस तरीके से जब अपनी पूरी बाइक रिवील की है और साथ ही में कैसी लगी पूरी बाइक, डू कमेंट्स बिलो। और वीडियो भी कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताना। और आपको याद होगा कि अपने चैनल पर एक हफ्ते पहले जो एक गिव अवे चल रहा था उसका जो रिजल्ट है 20 दिसंबर को अनाउंस हो जाना चाहिए था, पर ड्यू टू सम रीजंस मैंने जो 4 दिन तक ब्लॉग ही नहीं डाले, मतलब लास्ट फ्राइडे को ब्लॉग डाला था और आज के फ्राइडे को जो है ब्लॉग डाला। आज 25th December सो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ माई सब्सक्राइबर। और अभी जो है मैं आप लोग को बताता हूँ कि कौन है इस मतलब गिव अवे का विनर, क्योंकि मेरे को खुद को नहीं मालूम है। और बाय द वे ये जो ब्लॉग है पूरा BTS ब्लॉग है, मतलब पूरी बाइक बनने में जो पीछे छोटे छोटे क्लिप्स मैंने लिए थे वो सारे मैं मतलब सेव करके रखा था और अभी जो है आपको पता चल जाएगा। तो ये मतलब वीडियो बनाने का बेसिकली एक ही मोटिव था, ये जो है गिव अवे का रिजल्ट जो है आपको पता चल जाए। तो पहले आपको बताता हूँ कौन है गिव अवे का विनर, फिर आगे की ब्लॉग शूट करते हैं। सो गाइज, ये है ग्लिम्स, इसमें से मैंने जो है अपने गिव अवे का जो है पूरा कंपटीशन रखा था। यहाँ पे देख सकते हो फिनिश में कंपटीशन है, तो इसको मैं भी क्लिक कर लेता हूँ। और मेरे खुद को नहीं मालूम अभी विनर कौन है इसका पूरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंप्रेशन, मतलब इतने लोग ने देखा एक्शन इसमें, और 134 यूज़र ने जो इसको पार्टिसिपेट किया, मतलब हर में 3 पॉइंट्स रखे थे तो उस हिसाब से टोटल इतने पॉइंट्स हुए। तो अभी देखते हैं कौन है इसका विनर। तो आपको मैं बोला था जैसे 10th December को अपने जो गिव अवे का जो अनाउंस किए थे और 20th December को जो है गिव अवे एंड होने वाला था। तो अभी आपको बता दो कि इसका विनर कौन है। तो जो कंपटीशन हैज़ बीन एंडेड, तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि विनर कौन है इसका, यहाँ पे अपने विनर्स में। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता नहीं रहा डायरेक्ट कौन है। तो अभी यहाँ पे जो है अपने ड्रॉ विनर्स करे थे, तो यहाँ पे एक विनर्स है तो ड्रॉ करे एक को। तो यहाँ पे ये कौन, लवर बॉय RS जो है, मतलब ये कौन है भाई, हैदराबाद का भाई है जो जीता है। और अभी जो विनर है इसका स्टेटस अपने इसको जो है जीमेल पे मेल कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो इसका ईमेल आईडी है। तो अगर भाई आप वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर एक बार ये मेल खोल के एक बार चेकआउट कर लेना, लवर बॉय RS। और सो गाइस, दिस इज़ द BTS ऑफ रीबिल्डिंग ऑफ रेक्सा। और अपने जो है जाजी भाई अभी जो है यहाँ पे अपना लाइट को स्मोक कर रहे हैं, और बिहाइंड द सीन में अपने प्रकाश भाई, ध्रुव भाई, और अपनी बाइक जो अभी धीरे धीरे जो है रेडी हो रही है। तो ये ब्लॉग आप जो है मतलब छोटे छोटे क्लिप्स जो है आप मतलब बाइक का लॉन्च के बाद ही देखोगे, और अभी जो है आपको ये सब देखने नहीं मिलेगा। मतलब ये सब मैं पहले से शूट करके रख रहा हूँ, मतलब ये मत समझना कि बाइक रेडी नहीं हुई, बाइक रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर जो है अपने टॉमी महाराज, तो ये पूरा जो है BTS है। अभी टैंक लगना बाकी है, और कलर देख लो आप कितना ज़्यादा प्यारा है और कैसा दिख रही है पूरी बाइक। और बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी मैंने जो है डिटेलिंग की है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये वाला भी है जो मैंने ब्लैक कर दिया है, ये वाला पार्ट भी मैंने जो है ब्लैकआउट कर दिया है, और वहाँ पे भी जो है ब्लैकआउट कर दिया है। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें ब्लैकआउट किया है मैंने, जैसे कि ये, और जो बोल्ट्स भी यूज़ कर रहा हूँ वो सारे ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ मैं। और आपको मैं एक बार बैली चेकआउट करा देता हूँ, और ये जो अपनी कस्टम बैली जो अपने खुद से बनाए थे, देखो लुक देखो एक बार इसका, एकदम प्यारा फिनिशिंग हो गया है। और ये कैसे किस तरीके से घिसा था वो भी आप लोग का भी वीडियो आ रहा होगा। तो आपने देखा किस तरीके से पूरा जो इसको घिसा गया है, और मतलब इसको कम्प्लीटली ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 दिन तो खाली इसको ही घिसाई पिटाई और कलरिंग होने लग गया। और ये थोड़ा हैवी भी हो गया है, आप इसकी थिकनेस देख सकते हो कितनी ज़्यादा हो गई है, मतलब अच्छा खासा थिक हो गया है, और हैवी भी बहुत ज़्यादा हैवी है। तो आपको दूसरी वाली बैली बताता हूँ। तो यहाँ पर अपना टैंक, और ये रही अपनी दूसरी बैली। ये वाली बैली मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, क्योंकि अपनी जो लॉन्ग एक्सटेंडेड बैली, आप लोग कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है। और इसका भी सेम वही प्रोसेस हुआ था घिसने घिसने का, और देखो क्या फाड़ू फिनिशिंग आई है। तो एक्चुअली मैं ये जो है मेटेलिक सिल्वर है, और इसमें जो है मेटल्स के छोटे छोटे दाने, ज़्यादा दाने नहीं लगवाया क्योंकि बहुत ज़्यादा शाइनी हो गया ऐसे ही कलर धूप में। और देख लो पूरा कैसा है ये, और ये भी बहुत ज़्यादा जाड़ा हो चुका है। मेरी इसकी थिकनेस जो है ना, इसका पूरा वेट, ये टेल पैनल, हेडलाइट और सब कम पैनल मिक्स करके इतना वेट है इसका, ऑलमोस्ट 6 kg के आसपास है ये, बहुत ज़्यादा भारी हो गया ये। एक्चुअली मैं ये जो है मोल्ड वाला मटेरियल था, पर इसको यूज़ कर लिया मैंने एज ए प्रोडक्ट। तो अभी जो है देखो किस तरीके से पूरा दिख रहा है,
ये सब पूरा एक आइडिया था, मतलब जैसे एक थॉट था मेरा कि इसको बनाने का बैली को, और पुट्ठे से जो है पूरा काम चालू किया था, आप लोगों ने देखा था स्टार्टिंग से, और अब देखो किस तरीके से पूरा ये दिख रहा है। और गाइज ये वो विंगलेट है जो हम लोग ने यूज़ किया है, और अभी जो है इसका अंदर से बोल सकते हो कि ये जस्ट एक मोल्ड टाइप है, इसको मतलब अंदर से प्रोडक्ट निकलना बाकी है। तो आप देख सकते हो अंदर की फिनिशिंग कैसी है, तो ये मोल्ड है, इसके अंदर से जितना चाहिए अपने उतना विंगलेट निकाल सकते हैं। और ये देखो किस तरीके से पूरा दिख रहा है, और ये R3 का विंगलेट है जो अपने को 1800 रुपये का आपको बताया था, वो बस ये अपने को जो है सस्ते में निकल जाएगा अभी इसमें से जितना चाहिए उतना विंगलेट। और साथ ही में ये जो अपना साइड पैनल है जो अपने खुद से डिज़ाइन किए थे वो, और इसका भी फिनिशिंग एक बार चेकआउट कर लो, कितना ज़्यादा प्यारा है पूरा फिनिशिंग। और ये भी देख सकते हैं फाइबर पार्टे जो अपने बनाए थे वो, पर अंदर साइड से अपने बहुत प्यारा दिख रहा है ये, और इसी तरीके से जो दूसरे साइड का है। तो ये वीडियो पूरा आपको चेकआउट करा देता हूँ कि क्या क्या चल रहा है अभी। तो ये वो साइड पैनल, मतलब सारे पैनल्स जो है ना पेंट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और अभी जो है हेडलाइट का मास्क जो है ब्लैकआउट हो रहा है जैसे आप लोगों को मैंने बताया, और टेल में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है अभी क्योंकि ये वाला हिस्सा जो अच्छे से लग नहीं रहा है, पर ये भी जो है ठीक हो जाएगा, इसका भी कोई दिक्कत नहीं। और जितने भी सारे पैनल्स हैं ना, मतलब जो मतलब लोखंड के थे जिसमें जंग लग चुके थे, आपने देखा था, आपको बताया था वीडियो में, वो सारे जो है मैंने इसको ब्लैक कर दिया है। आप देख सकते हो इस सारे पैनल्स जो है मैंने ब्लैक कर दिए जहाँ पे जंग था, तो बाइक में भी कोई जंग नहीं है। और साथ ही मैं चेन को भी मैंने क्लीन कर दिया है, और अभी भी जो है इसमें हल्का फुल्का जंग लग गया कल के एक दिन में, पर कोई दिक्कत नहीं, वो चेन स्प्रे मारेंगे और बाद में चेन क्लीनर करेंगे तो निकल जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये हिस्सा देखो मैंने जो है पूरा ब्लैकआउट किया, कैसा दिख रहा है, और ये अपना पहले से ब्लैक था तो इसको मैं कलर करने दिया, और इस पर भी जो है हम लोग ने जो है क्लियर कोट उड़वाया है, तो ये जो है पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर लुक आ रहा है इसका भी। और अभी जो है चेन चक्का भी खोला है, और यहाँ पे थोड़ा सा प्ले है, मेरे को नहीं मालूम कि ये होता ही है कि नहीं होता है, पर कमेंट करके बताओ कि ये वाले हिस्से में जो है प्ले रहता है कि नहीं रहता है। चेकआउट हम लोग ने जो इसके टेल लैम्प को भी स्मोक किया है, जैसे हम लोग ब्रेक लाइट मारेंगे तब देख सकते हो ये कैसा दिख रहा है, और बंद करेंगे तब पूरा ब्लैक हो जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा दिखता है, अभी पूरा ब्लैक हो चुका है। और साथ में फिनिशिंग देखो, कट्स देखो पूरे पैनल की, अभी जो है इसको फिट करना बाकी है। और मतलब ये आज की तारीख है 21 ऑफ दिसंबर को आप देख रहे हो वीडियो, मतलब ये शूट हुआ है, और आप जब देख रहे होंगे तो मुझे नहीं मालूम कौन सा डेट है, मैंने कोई प्लान नहीं किया इसको कब लॉन्च करने का है, बट विद इन दिस वीक, मतलब ये वीक में जो है बाइक लॉन्च कर देंगे पूरी, और पूरी लुक देखो किस तरीके से। तो और एक चीज़ जो अपने ने ट्राई की थी वो आउटकम उसका बहुत ज़्यादा प्यारा है, आप देख सकते हो KTM के मडगार्ड्स कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। सो गाइस ये BTS है द डे बिफोर द लॉन्च, और देखो कि क्या अभी इधर का सीन है, मतलब पूरे फ्रेंड्स आए अपने, और अपनी बाइक में जो अभी रैप का काम चल रहा है। कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है, आपने तो लॉन्च देख ही लिया है पूरा, और फिर भी आप कमेंट करके बताओ कि क्या राय आपकी इस बाइक के बारे में, और किस तरीके से पूरी बाइक दिख रही है। तो अभी जो कि हम लोग ने साइड वाला रैप किया आगे, और साइड में ये रैप किया है टैंक पे, और पीछे रैप किया है, अभी जो इसका साइड में भी जो है रैप होगा, और पूरी अभी जो है इसमें भी इंडिकेटर्स लगने बाकी है, टेल टाइडी है, और छोटे मोटे चीज़ें को अपने ब्लॉग में डे टू डे जो है अपडेट करते रहेंगे। और पूरी कैसे देख रही है कम्प्लीटली कमेंट करके बताओ, और अपने जो है लॉन्च में आज हायाबुसा और बेनेली 600 आई है, और अभी जो बहुत सारे फ्रेंड्स आने बाकी है। सो गाइज ये जो है आपने पूरा जो है BTS सीरीज़ देखा, और अब जो है सब लोग जा चुके हैं घर पे, और अभी आपको पूरी बाइक का लुक देख लो किस तरीके से दिख रहा है। ऑल्दो आपने जो लास्ट व्लॉग में देख लिया, जिसने भी नहीं देखा तो अभी एक और बार चेकआउट करें तो बाइक का ओवरऑल वॉकरण। तो अभी जो है देखो वहाँ पे पूरा मतलब वीडियो में पूरा तहलका मचा रखा है टॉम एंड जेरी ने, तो ये लोग का भी जो इंस्टाग्राम आईडी है टॉम एंड बीरा करके, जिसने भी फॉलो नहीं किया है जाके फॉलो कर सकते हो। और पूरी बाइक का लुक देख लो आप किस तरीके से पूरी बाइक दिख रही है, कमेंट करके फटाफट बताओ कैसी लग रही है पूरी बाइक, और साथ ही में क्या आपकी राय है इसके बारे में। अभी जो है इसमें पूरा जो है इसमें स्टिकरिंग का पूरा काम बाकी है, इसमें जो अभी स्टिकरिंग होने वाला है, याद रखना अपना कस्टम एग्जॉस्ट भी आएगा, इंडिकेटर्स आएंगे, विंगलेट्स आएंगे, फिर बोल सकते हो टेल पैनल आएगी। और आपको कोई भी क्वायरी है ना अभी बाइक के बारे में कि भाई ये कैसे किया वो कैसे किया, आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं एक स्पेशल ब्लॉग बना दूंगा उसके लिए, जैसे कि मडगार्ड के बारे में हो गया, या फिर कोई भी चीज़ इसमें जैसे आप देख सकते हो कि इसमें आपने ये पैनल कैसे लगाया, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। हाँ गाइस आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि इसमें मुझे कौन से स्टिकर्स लगाने चाहिए, कमेंट करके बताओ। मेरे दिमाग में तो अभी एक ही स्टिकर्स चल रहे जो है वेनॉन या फिर जो है ब्लैक पैंथर सीरीज ब्लैक कलर में,
बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगेगी। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, मैं ज़रूर वो चीज़ को कंसिडर करूँगा। और साथ ही मैं आप लोग बताओ कि मुझे कौन से चेंजेस और करने चाहिए पूरे बाइक में, और एग्जॉस्ट के बारे में बताओ, कौन सा एग्जॉस्ट जो है आपके दिमाग में जो मुझे लगाना चाहिए, मैं ज़रूर वो बात को भी जो है पॉइंट आउट और कंसिडर ज़रूर करूँगा। सो गाइस, ये था इसका शॉर्ट सा वीडियो, कैसा लगा डू कमेंट्स बिलो, और कैसी लगी आपको पूरी बाइक को भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और शुभम भाई जाके अपना जरूर एक बार जो है पूरा ईमेल चेकआउट कर लेना, आप जो है गिव अवे के विनर हो। और करते इस वीडियो के जरिए एंड मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए पता ना क्या करना है, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। पीस आउट।